नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेज का स्पोर्ट्स पोस्ट पे। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच से पहले गौतम गंभीर ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वहां पर उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए और कहीं ना कहीं ये बता दिया कि भारत की टीम का प्लेइंग 11 किस तरीके से होगी। और उसके अलावा उन्होंने ऋषभ पंत, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को लेकर बड़े बयान दिए। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं क्या कुछ गौतम गंभीर ने अपने पहले टेस्ट मैच एज अ हेड कोच के रूप में क्या कुछ कहा है उसको लेकर आपको इस वीडियो में बताते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। उन्होंने ये साफ कर दिया कि केएल राहुल एंड ऋषभ पंत विल प्ले फर्स्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, यानी कि सरफराज खान और ध्रुव जुरेल जो कि जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हुई सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जब भारत के कई सारे खिलाड़ी इंजर्ड होकर बाहर हुए थे, उस समय वो सर्वाइवल किट बने थे, उनको अभी और इंतजार करना पड़ेगा। वो भारत की टीम का हिस्सा जरूर है पर प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत जो कि ध्रुव जुरेल की जगह पर खेलेंगे और केएल राहुल जो कि सरफराज खान की जगह पर खेलते हुए नजर आएंगे पहले टेस्ट मैच में, ये आप सभी को पता चल गया। यानी कि कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 साफ तौर पर गौतम गंभीर ने बता दिया कि भारत की किस तरीके से होगी। उसके अलावा उन्होंने जसप्रीत बुमराह को लेकर कहा है कि जसप्रीत बुमराह इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ एंड हमें पता है कि उनका किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जसप्रीत बुमराह इज फिट एंड फाइन और वो एक यानी कि वो पूरे मैच को अकेले दम पर बदलने की काबिलियत रखते हैं एंड वो वापसी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि वो आपको कोई दो राय नहीं है, उन्होंने बस तारीफ करी है जसप्रीत बुमराह की, वो कितने बड़े गेंदबाज है। उसके अलावा ऋषभ पंत के बारे में उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत इज वेरी डेंजरस बैट्समैन, ही कैन चेंज द मैच इन वन सेशन और वो हमें पता है और आप सभी को भी पता होगा कि भारत को अभी तो बांग्लादेश के साथ फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ पर सबसे बड़ी जो सीरीज है वो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट मैच की सीरीज ऑस्ट्रेलिया में नवंबर में शुरुआत होने वाली है और ऋषभ पंत उसमें एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। जब हम पिछली बार बीजीटी के लिए गए थे तो ऋषभ पंत आपके सबसे बड़े मैच विनर बनकर निकल कर सामने आए थे, तो यहाँ पर ऋषभ पंत को बैक किया जा रहा है। एक्सीडेंट के बाद वो पहली बार आप सभी को खेलते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा आप सभी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले मैच में रेड सॉइल पिच का इस्तेमाल होगा, यानी कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा यहां पर होगा और जैसे जैसे वहां पर गर्मी है, ह्यूमिडिटी है तो पिच टूटेगी तो वहां पर स्पिनर्स को भी तीसरे चौथे दिन से आपको मदद मिलने लग जाएगी। तो यानी कि भारत के लिए अगर टॉस जीतती है तो पहले बल्लेबाजी करना सही फैसला होगा, या कोई भी टॉस जीतता है तो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगा क्योंकि यहां पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी। तो कल मैच की शुरुआत है फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश ने पाकिस्तान में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और अब वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ भारत के सामने आएगी। अब देखना होगा क्या जिस तरीके से पाकिस्तान को हरा कर बांग्लादेश आई है क्या बांग्लादेश भारत को भी चैलेंज कर सकती है या फिर भारत इस दो मैच की सीरीज को आसानी से जीतकर अपनी जो एक मिशन है बीजीटी 2024 उसकी तरफ अग्रसर होता हुआ नजर आता है या फिर हमें यहां पर चैलेंज फेस करना पड़ेगा। आप सभी की क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे साथ सपोर्ट बस इतना ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए।